वॉट इज डांस फॉर यू डांस मेरे लिए शायद मेरा सबसे अहम चीज़ है क्योंकि शायद जब भी हम डांस करते हैं तो बहुत रिलीफ फील करते हैं अपने आप में और मेरे को एक मेरे फ्रेंड जो बोले थे एक चीज़ कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है या कुछ फील हो रहा है बहुत दिक्कत में हो आप या बहुत खुशी फील कर रहे हो तभी डांस करो तो मेरे को ऐसा uh, उनसे सुन के और हुआ क्योंकि हम जब भी अगर सैड हो जाते हैं कई बार ना तो जैसे डांस करते हैं पर हम मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया था कि डांस करेंगे तो शायद ये भी रिलीज मतलब स्ट्रेस रिलीज हो सकता है मेरा आ, पर हम वो भी ट्राई किए तो हमेशा हम नोटिस किए कि डांस अगर हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है और बहुत खुश होते हैं तो अच्छा फील होता ही है आशीष पाटिल ने भी बोला वर्तिका अ परफॉर्मर ठीक है समीप जब आए थे उन्होंने भी बोला वर्तिका के जैसा कोई परफॉर्मर नहीं देखा ये परफॉर्मर ये वर्ड मतलब लोग हर कोई बोलता है ठीक मतलब है वर्तिका के जैसा तो ये यहाँ तक आने का सफर वो कैसा था कुछ लाइनों में जरा बता सकते हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि परफॉर्मर अच्छे हैं पर मेरे को नहीं पता पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे मेरे को या कोई भी एक्ट मिला हो या मेरे को जब भी डांस करना हो तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर चीज़ों को हम अपना बना के करें मतलब अलग तरीके से जैसे अगर मेरे को कुछ एक स्टेप मिला हो तो हम अपने तरीके से उस तो स्टेप को कैसे कर सकते हैं तो हम हमेशा ये चीज़ ना अगर मेरे को कोई सिखाया कोरोोग्राफर तो सिखा के अगर गया तो हम अकेला हमेशा मिरर के सामने खड़े होके अच्छा ये स्टेप थोड़ा और ऐसा कर सकते हैं थोड़ा और ऐसा कर सकते हैं तो मतलब हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना बना के करे चीजों को तो शायद हो सकता है वो चीज की वजह से ऐसा बोलते हैं लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी डांस करें तो हमेशा सोचते हैं कि शायद ये जो जितना प्रैक्टिस किए ये हम पूरे एक दो हफ्ते इस एक एक्ट का वो आज कैसा निकालना है पूरा पूरा अच्छा फुल ऑन देना है अपना और फुल दिल के साथ तो शायद हम वो हमेशा सोचते हैं सोचते हैं अभी मेरे को नहीं पता ऐसा बोलते हैं <laughs> <भी सम्ण। laughs> और, और, ये, और ये भी होता है ना कि वर्तिका की रियल पर्सनैलिटी और स्टेज पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है ठीक है हाँ कि हाँ, वर्तिका रियल में बहुत अलग है और स्टेज पे अलग है जो स्टेज पे जाने से पहले तीन से वो जो अपना क्यू स्टार्ट होता है ना तो क्यू स्टार्ट होने से पहले वो क्लिक क्लिक जो बचता है तो उस समय क्या ऐसा थॉट आता है कि वर्तिका बिकम्स इनटू व्हाट अ परफॉर्मर <laughs> oh. वो क्लिक के टाइम क्लिक से पहले हम हमेशा मम्मी पापा को याद करते हैं और जब क्लिक चालू होता है मेरा तो हम अपना ऐसा शोल्डर अप करते हैं फुल ऐसा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं वर्तिका लेट्स गो फॉर इट इट्स योर डे मतलब ऐसा फुल अपने आप को वो एनर्जी देते हैं कि और ये पूरा कसर निकाल लेना आज पूरा जितना इस एक्ट के लिए मतलब वो किए आज फुल एटीट्यूड में मतलब बी योर मतलब ऐसा मेरे को आता है थॉट कि लेट्स गो फॉर इट सो वो आप दुनिया का नहीं सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा बस अपना बेस्ट दो वर्तिका एक डांसर थी जो एक पर्टिकुलर स्टाइल करती थी एक सर्टन वे में परफॉर्म करती थी ड्यूरिंग द ऑडिशन ऑफ योर फर्स्ट रियलिटी शो बाद में आपका एवोल्यूशन हुआ है जो एवोल्यूशन हुआ है वो रियलिटी शो के बेस पे यानी रियलिटी शो के वजह से हुआ है कि रियलिटी शो का रिक्वायरमेंट के वजह से हुआ है या फिर आपकी मर्जी से हुआ है यस uh, yes, मेरे को लगता है ये दोनों ही चीजें कि रियलिटी शो की वजह से भी एंड ये खुद की वजह से भी क्योंकि शायद हम खुद चाहे तो ही वो हो पाया नहीं तो शो में वो नहीं हो पाता अगर हम नहीं चाहते और शो था इसलिए शायद हम भी कर पाए कि यस yes, ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और हम ये कर सकते हैं अगर डांस करना आता है मतलब सब कुछ आना चाहिए मतलब सब स्टाइल आना चाहिए तो यस yes, हम हमेशा जब भी ऐसा कुछ रहा कि कुछ डिफरेंट स्टाइल करना है तो हम हमेशा पॉजिटिव ही रहे कि करना है भले थोड़ा करने के बाद शायद अच्छे से नहीं होता था मेरे से पर हम फिर भी पॉजिटिव रह के हमेशा कोशिश किए कि कुछ दूसरा स्टाइल मिल रहा है या कॉन्सेप्ट कुछ मिल रहा है तो हमेशा उसको अच्छे से निभाएं सो so, यस yes, वो दोनों की ही वजह से शायद मेरा और डांस स्टाइल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है देखो ये मैंने अभी एक डांसर से सीखा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता आपको बहुत ही टू बी ऑनेस्ट ये सच बात है कि यंग एज में ऑफकोर्स मतलब वो टैलेंट के साथ आपको इतना सारा चीजें मिली पर बहुत लोग अच्छी बातें भी बोलते हैं बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं इसको कैसे मिल गया जी। मतलब हम भी तो इतने साल से मेहनत करें हमको क्यों नहीं मिला तो आप इस चीज को मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को मिला के कैसे डील करते हो आप पॉजिटिव आ... का पहले बताते फिर नेगेटिव का बताओ <laughs> Uh, हम शायद नेगेटिव में नहीं ही लेते हैं uh, क्योंकि हम uh, कोशिश करते हैं जितना पॉजिटिव हो हर चीज़ का वो नोटिस करें क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रहा है एक चीज़ पाने के लिए और बस फर्क यही है कि जिस चीज़ को हम ज्यादा पसंद करते हैं वो उसमें शायद मेहनत नहीं लगता है क्योंकि हम लोग उसको दिल लगा के करते हैं तो उसको शायद मेहनत नहीं बोलेंगे uh, खुशी से करते हैं तो एक मेहनत नहीं होता है हमें मजा आता है वो करने में तो शायद हम लोग वो मेहनत ऐसा एकदम वैसा वो नहीं होता है तो मेरे लिए शायद ये पॉजिटिव ही है बहुत सारे लोग कुछ बहुत सारी चीजें बोलते हैं या कमेंट्स में भी हमारे कई बार आते हैं तो हम पता नहीं क्यों उसको पॉजिटिव लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और अलग ट्राई करना चाहिए शायद हम एक ही चीज कर रहे हैं ओके ठीक है तो वो सब हम ध्यान देते हैं पर कभी कभी ऐसे कमेंट आ, कुछ गड़बड़ आता तो हम कभी भी रिप्लाई उसमें गलत कुछ ऐसा न, कभी नहीं करते हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हैं तो मेरे लिए शायद ये पॉजिटिव ही है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेहनत करेंगे अगर दिल लगा के तो हमेशा इंसान को जरूर मिलता है बस किसी को जल्दी किसी को बात तो वो आ, मतलब नसीब है नसीब है। नसीब भी नहीं है मेरे को लगता है नसीब भी हम खुद ही बनाते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो ही मेरा नसीब भी बनेगा। तो जो उसको जैसा बोला था, का उसको पूछा था तो उसने मुझे मतलब बताया कि उसको ऐसा कभी नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन किसी को देखते हुए कि अरे यार मुझे भी होना चाहिए बट बहुत लोग ऐसे है ना मतलब उसको है कि मुझे मिल गया तो मिल गया ठीक है मैं मैं इसके लिए तो नहीं आया था इधर काम करने के लिए सिर्फ ऑन स्क्रीन करूंगा करके बट बहुत लोग ऐसे है ना देखते हैं कि अच्छा मैं जेन्यूनली बता रहा हूँ दिस इज नॉट जस्ट फॉर द शो जेन्यूनली मैं सुना भी है तो ऐसा बोलते ना कि यार यार मतलब वर्तिका को ऐसा मिल गया मतलब हम तो इतने साल से मेहनत कर रहे हम मतलब क्या शी हैज नॉट असिस्टेड येट शी इज नॉट डन एनी थिंग शी इज जस्ट बीन अ कंटेस्टेंट तो ये अभी ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर मतलब कैसे तो आपके दिमाग में obviously आप भी ये बात कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचती होगी जी जी, ऐसे नहीं कि नहीं जी पहुंचती जी। है सो हाउ डू यू डील विद देन मेरे को लगता है उसमें भी हम ज्यादा सोचते नहीं है ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ये मेरे को पता है और जो कहीं ना कहीं शायद वो सही भी एक तरीके से क्योंकि एक प्रोसेस होता है हर चीज का एंड जैसे हम एक शो किए एज अ कंटेस्टेंट सोलो उसके बाद मेरे को एज ए कोरोग्राफर बुलाया गया तो शायद हम भी बहुत कुछ एकदम एज अ कोरियोग्राफर सीखे नहीं थे उतना जल्दी पर मेरे को लिया गया पर हम धीरे धीरे जैसे और नेक्स्ट शो में एज अ कोरियोग्राफर बुलाया गया तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम चीजें सीखे अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला है कि कोरियोग्राफर वाला तो मेरे को वो चीज़ आनी चाहिए तो उसके लिए हम भी अपने में मेहनत कर रहे हैं तो अभी वो तो शो का है मेरे को नहीं पता ये आइडिया पर तो अगर मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हम और लोगों की बातों पे ध्यान ना दे के कोशिश करते हैं कि हम वो पूरा करें सो so, हम हर साल ट्राई कर रहे हैं कि एज अ कोरोग्राफर भी मेरा ग्रोथ हो वर्तिका एक रियलिटी शो जीत लिया दो रियलिटी शो जीत लिया तीन रियलिटी शो जीत लिया क्या बात है मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल बच्चों की वजह से जो बच्चे आए थे वो अच्छा डांस करते थे तो उनकी वजह से जीत गए और क्या सच बात तो यही है हाँ बच्चों की वजह से जीते बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हम लोग तो उनके सपोर्ट में थे तो उन लोग की वजह से जीते आप तो अप, अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहते हो कि आपने रियलिटी शो जीता तो आप, आपका भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था नहीं बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते थोड़ा हाथ था पर ज्यादा उनका था क्योंकि वो लोग ज़्यादा मेहनत किए एज ए कंटेस्टेंट आए और पहली बार एज अ कंटेस्टेंट एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक होता है जो हम एक्सपीरियंस किए डांस प्लस में तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है कहीं कही ना कहीं क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कम ड्यूरेशन रहता है प्रिपरेशन करने का एक एक्ट के लिए और और उस वक्त में हम लोग को ये करके दिखाना होता है एक्ट कई बार एक्ट चेंज भी हो जाते हैं हमारे एंड फिर भी एक दिन में करके वापस नया एक्ट दिखाना होता है सो तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो एक कंटेस्टेंट के लिए वो जर्नी मेरे लिए, मेरे लिए को लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रगल फोर और लर्निंग लर्निंग भी होता है उसमें सो येस उनका ज्यादा उसमें वो है बट ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि साथ में आप भी नाच रहे हो ना स्टेज पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोरियोग्राफ कर रहे हो ठीक है आप भी नाच रहे हो स्टेज पे यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग तो वो पिलर एक जो साइड में रहता है वो भी तो स्ट्रांग रहना चाहिए तो आपका क्या माइंड सेट था कि मुझे अपने कंटेस्टेंट को जितवाना है सबका एक माइंड सेट रहता है यार अपना कंटेस्टेंट जीतना चाहिए या तो फाइनल तक जाना चाहिए तो आपको जब कंटेस्टेंट एक यू नो असाइन होता था कि हाँ ये आपका कंटेस्टेंट है इसके साथ आप पूरा सीजन करोगे तो आपका क्या माइंड रहता होगा वो टाइम पे Uh, मेरा माइंड सेट यही रहता है कि जैसे हम आपको बताए कि जब हम अकेले भी डांस प्लस में परफॉर्म करते थे तो मेरा हमेशा रहता था कि अपना पूरा बेस्ट दे तो हमेशा जब भी हम अगर डुएट भी करते हैं तो मेरा यही थॉट रहता है कि हम दोनों अपना बेस्ट दें सो यस अगर हम देखते हैं कि बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है ऐसा कर रहा है तो हम भी उसके साथ मिलके और मेहनत करते हैं डबल हम दोनों लोग मिलके साथ में एंड uh, वो भी अपना मतलब एक थॉट लेके आता है कि मेरे को बहुत अच्छा करना है टॉप में जाना है टॉप फाइव में जाना है तो यस उनका ये शायद जो वहां तक पहुंचने का जो एक एम रहता है वो मेरे को देख के बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मैं भी फिर उनके साथ लग जाता हूँ और फिर करते हैं हम लोग मिलके फिर रिजल्ट तो जजेस और ऑडियंस के उसमें है पर हम लोग ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दें रिजल्ट जैसा भी हो अपना बेस्ट देंगे तो जरूर टॉप में रहेंगे एक मेरा खुद का एक है कि हम हमेशा कभी मतलब पता नहीं क्यों ऐसे तरीके से नहीं सोचते हैं शायद एक मेरा एक थॉट है कि कि मेरे को आया विनर बनना है क्योंकि सब लोग आए हैं शायद विनर बनने के लिए ही यहाँ एंड हम उस तरीके से नहीं सोचते पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा एकदम सोचना कि मेरे को विनर बनना है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे सोचना एकदम गड़बड़ है पर मेरे को ये है कि एकदम आगे तक जाना है फाइनेंस तक मेरा पूरा ट्राई कि मेरे को जाना है हम इस वे से सोचते हैं पता नहीं क्यों एक मेरा वो अंदर का इंस्टिंक्ट है कि हम ऐसा इस तरीके से सोचते हैं आप इतना पॉजिटिव हो आप इतने बार बोल चुके हो कि मैं परफॉर्मेंस से पहले मम्मी पापा का नाम लेती हूँ <clears throat> मैं बोलती हूँ वर्ती कॉलेज डू इट इतना पॉजिटिविटी के साथ आप परफॉर्म करते हो सोलो बट डुएट जब आता है तो ऑफ कोर्स ये होता है ना कि सामने वाला स्ट्रेस में क्योंकि उसने शायद से इतना स्टेज नहीं फेस किया है उसका वो फर्स्ट टाइम है शायद से एक्ट चेंज हो गया है या फिर म्यूजिक में कुछ चेंज हो गया है या लास्ट मिनट कुछ चेंजेस हो गए कॉस्ट्यूम में कुछ चेंजेस हो गए तो उसका स्ट्रेस जो होता है उसका एनर्जी अलग होता है yes, ठीक है ठीक। तो वो आप एक लेवल पे ला फिर उसको कैसे यू नो परफॉर्म करते हो यस yes, ये जो आप क्वेश्चन पूछे बहुत ही करेक्ट है आ, कि जब भी कुछ ऐसा अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं या कुछ कॉस्ट्यूम में चेंज आ गया जिसमें रिहर्सल किए वो कॉस्ट्यूम नहीं है या बहुत सारी चीजें जो ऑन स्पॉट हम लोग का माइंड बहुत डाइवर्ट कर देता है तो उस वक्त में आ, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को तो मेरे को लगता है हम लोग से डबल ट्रिपल स्ट्रेस होता होगा Uh, हम लोग को लेकिन ज्यादा चिंता ये हो जाता है कि बच्चे ज्यादा स्ट्रेच स्ट्रेस ना लें या जो साथ में हमारे परफॉर्म कर रहे वो स्ट्रेस ना लें क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा एक दो शो किए तो अपने को समझ में आ गया कि यार देखो ऐसा होता है अपने को रेडी रहना अंदर से कुछ भी हो सकता है पर उनके लिए फर्स्ट टाइम है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम और जो मेरी पूरी टीम है साथ में हम लोग सब ट्राई करते हैं कि जितना काम हो सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि कुछ नहीं है ये होता है नॉर्मल है कुछ नहीं हम लोग गुजर चुके हैं तो कुछ ऐसा नहीं है तुम सिर्फ डांस पे फोकस करो और कुछ नहीं हम लोग क्या करने आए यहाँ सिर्फ वो करो ये सब होता रहेगा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम तो होगा देखो अभी शो में आया हो तो टीवी में आना है तो होगा तो ये सब सोचो मत बिंदास नाचो सब ठीक होगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा सेट हो जाएगा कपड़ा <laughs> वपड़ा तो बस यही है कि बहुत दिमाग खराब करते हैं yes. सब बोलते हैं क्या हो, मेरे साथ? ये नहीं हो रहा है बोला है आपको या नहीं बोला है नहीं इस चीज में भी हम अपने आपको बहुत लकी मानते हैं कि मेरे कोई भी कंटेस्टेंट कभी ऐसा बहुत ऐसा परेशान नहीं किए uh, सच में हम बहुत लकी थे क्योंकि हम भी बहुत हम भी शायद बहुत मेरा एकदम हम बहुत ज़्यादा मेच्योर मेरे को लगता है कि नहीं हुए कि हम सब कुछ ऐसा एकदम ऐसा कर पाए क्योंकि हम भी बहुत चीज़ें सोचल लगते हैं मतलब बहुत, बहुत गहरा सोशल लगते हैं बहुत सारी चीज़ों पे हम भी बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ है ठीक नहीं हो मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है पर ना हम कई बार जैसे अगर साथ में बच्चे तो उनको ऐसा शो नहीं करते कि हम भी ऐसा <laughs> फील कर रहे हैं तो नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं कि वो भी मतलब परफॉर्म अच्छे से कर पाए फ्रीली कर पाए एंड अभी तक जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं हमेशा ही परफॉर्म करने से पहले वो लोग मेरे को हमेशा मेरे जितने टीचर्स रहे हैं hmm. और अभी जैसे समीप भी मेरे साथ रहते हैं तो हमेशा मेरे को परफॉर्मेंस से पहले मेरे को हमेशा पॉजिटिव फील कराते हैं एंड जो हमारे साथ परफॉर्म करने वाले उनको भी तो हम लोग हमेशा मिलके एक प्रेयर करते हैं एंड हमेशा हम लोग काम हो जाते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं बहुत करेक्ट है कि मेरे को बच्चे हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं समझने वाले कभी वैसा स्ट्रेस नहीं दिए और मेहनती जो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है इस ये वाले जर्नी में क्योंकि रियलिटी शो वाले में मेरे को लगता है वही जो आपको बताया जैसे कम दिन में सब चीजें करनी रहती है तो कुछ लोगों का लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है कुछ का नहीं होता है तो कुछ को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो ऐसा भी रहा है पर कभी बच्चे परेशान नहीं किए सभी बहुत अच्छे मिले सो इस चीज के लिए भी लकी है हम बहुत ज्यादा चलो बाई ही समझ लो वन साइड समझ लो जो समझना है जिसको वो समझे बट जेन्यूनली बताओ अब तक का आपका बेस्ट कंटेस्टेंट कौन रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरी मतलब सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका अब तक का बेस्ट कंटेस्टेंट जिसके साथ आपको परफॉर्म करके लगा कि इससे बढ़ के कोई नहीं है फेवरेट uh, मेरे सभी हैं जितने कंटेस्टेंट्स मेरे साथ थे uh, पर मेरे को संचित से शायद इस जर्नी में ज्यादा लगाव हुआ क्योंकि मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था कि मेरे से कोई छोटा बच्चा मेरे साथ परफॉर्म कर रहा है और असल में वो बच्चा बहुत क्यू क्यूट है बहुत स्वीट है बहुत समझदार है उतने छोटा बच्चा का समझदार होना इतना जिस लेवल पे वो है बहुत कम मिलता है वो बहुत समझता था जब भी उसको लगता था कि हम लोग कुछ अलग इम्पॉर्टेंट बात हो रही है तो वो आता भी नहीं था वहां पता नहीं उस बच्चे को कैसे समझ जाता था और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ एक बार बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में थे एक एक्ट को लेके जो हो नहीं रहा था ठीक से एंड हम तो हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे तो समीप रिहर्सल ले रहे थे हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा अंदर से ऐसा था मैं परफॉर्म मतलब रिहर्सल कर, कर रहा था पर मेरा ध्यान नहीं था तो एक टाइम पे ऐसा संचित करते हैं हम दोनों कर रहे कर रहे हैं संचित ऐसा पीछे मुड़ता है और ऐसा हक करने के लिए मेरे को ऐसा ऐसा देता है ऐसा हाथ कि हक करो और मैं उसको पकड़ के मेरे को रोना रोने जैसा आता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि कैसे समझ रहा है ये चीज़ की हम ठीक नहीं फील कर रहे तो वो शायद मेरे को वो बच्चा बहुत कुछ कुछ चीजों से बहुत लगाव हो गया उसके तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट था मतलब वो डांसिंग में भी आई थिंक संचित का अगर बात करी रहे तो वो बच्चे के बारे में मैंने सबसे यही सुना है डांसिंग कम्युनिटी की बात करो तो कि वो वर्तिका को मैच करता था ठीक है शायद ही कोई कंटेस्टेंट करता था पर संचित अकेला जो था जो वर्तिका को मैच करता था क्या आप ये मानते हो कुछ सच बात बताता हूँ कि हम संचित को मैच नहीं कर पाते थे मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हम जो डांस स्टाइल करते हैं <clears throat> हम ज्यादा फुटवर्क अपने स्टाइल में नहीं करते हैं नहीं। जो मेरा ऐसा अब हम करने लगे हैं शायद संचित की वजह से करने लगे हैं हम बहुत कुछ क्योंकि हम ज्यादा अपर बॉडी ऐसा ज्यादा यूज करते हैं लोअर बहुत कम मतलब तो मतलब मेरा डांस स्टाइल ही वैसा हम ऐसा करते थे गर्लिश और ऐसा तो ज्यादा हम अपना फुटवर्क नहीं करते थे शायद उतना बहुत मेरा ट्रेनिंग भी फुटवर्क का बहुत नहीं था तो मेरे को जब हम संचित के साथ परफॉर्म करने लगे तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि संचित का ज्यादा लोअर लोअर पार्ट चलता था मतलब लेग्स बहुत स्ट्रांग का भी फैन यस यस तो उसका लेग्स बहुत स्ट्रांग और मेरे को बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं उसकी चीजें करूं mm. क्योंकि मैं कैसा डांस कर रहा हूं दो बार इधर तो दो बार इधर लुक दिया आराम से मतलब मैं लोगों को देख पाता था अभी संचित जो स्टाइल करता है मेरे को ऐसा लग रहा था फा, फास्ट मैं देख ही नहीं पा रहा हूं सामने वाले को शिट मतलब मतलब मेरे को बहुत ऐसा हो रहा था कि वर्तिका यार क्या हो रहा है तुम मतलब कर पाओगे कि नहीं मेरे को बहुत ऐसा खुद पे ऐसा हो रहा था स्टार्ट में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को फील हो रहा था पर फिर भी पता नहीं क्या उस बच्चे का कुछ ना डांस करते वक्त अलग ही एक एनर्जी है मतलब कुछ डिफरेंट जो ना अपने आप पावर दे देता थे हम पहले तक भले उतना नहीं ऐसे कर रहे रहते थे पर जब हम स्टेज पे जाते थे ना तो हम अपने आप खुल जाते थे क्योंकि मेरे बाजू से इतना खतरनाक एनर्जी आ रहा रहता था कि मेरे को अपने आप फिर मैं मतलब खुल जाता था कि शिट ये भी हो सकता है मेरे से ये ये स्टाइल भी हम कर सकते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है वो कर सकता है एक बच्चा भी कर सकता है इतना अच्छा तो हम भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे सो येस मतलब बहुत कुछ संचित के थ्रू मेरे को सीखने को मिला एंड समीप भी थे हमारे साथ जो हम दोनों को गाइड कर रहे थे तो उनको भी शायद उस तरीके से सो सोचना पड़ रहा होगा कि हम भी कर पाएं और वो भी कर पाए ऐसी चीज़ें बताएं okay. उन दोनों लोगों से हम बहुत कुछ सीखें एंड ये पूरी जर्नी से कि संचित मिला मेरे को एंड फ्रीस्टाइल देख के तो पागल हो गए रहेंगे ना उस दिन वो बेजुबान का जो yeah, उसने किया था करेक्ट करेक्ट hmm. कि संचित को जब टीवी में जब ऑडिशन हुआ तो जो बेजुबान पे किया पहली बार hmm. पर उसको हम ऐसे परफॉर्म करते हुए और जो ऑडिशंस होते हैं उस ऑडिशंस में भी देखे थे हम तभी उसको देख के सोच रहे थे कि शिट ये बच्चा किसके साथ जाएगा कौन प्रोग्रोफर मिलेगा उसको मेरे को तो टेंशन आ रहा था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के पर मैं सोच रहा था कि शिट ओ, पैर किसका बहुत सारा एकदम जो स्टेप करता हो शुभ भाई हाँ हाँ उनके साथ <laughs> उनके साथ मतलब इसको शायद देंगे पर जब भी मैं सुना कि मेरे साथ और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शिट कहा से मैच कर रहे हैं हम दोनों क्यों क्या मतलब कैसा सोच के फिर मेरे को स्टार्टिंग वही बताया कि आपको मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था टेंशन आ रहा था <laughs> पर फिर भी एक वक्त के बाद मेरे को ये फीलिंग आई कि वर्तिका यू कैन डू दिस मतलब कर सकते हो कोशिश करोगे तो ये भी कर सकते हो कॉन्फिडेंटली करो ना देखा जाएगा मतलब गड़बड़ होगा तो बताएगा सब सब लोग बताएंगे टीचर बताएंगे जो है साथ में तुम तो एक बार खुल के करने का ट्राई तो करो क्या पता अच्छा लगे बहुत तो मैं बहुत देर टाइम तो खुल नहीं रहा था कि एकदम की अरे पता नहीं कैसा इतना टैलेंटेड हाँ, था कि हम उतना मैच कर पा रहे कि नहीं पर एक टाइम के बाद ना हम पता नहीं कैसे वो खुल गए एक टाइम के बाद उसके स्पीड से नीचे नीचे जाता <laughs> मैं खूब गुस्सा करता था उसके ऊपर मारेंगे तुमको आधा आधा स्टेप करके नीचे नीचे भाग पर वो छोटा है ना उसका जल्दी कम्पलीट हो जाता था दो घंटा इधर हाथ जाने में उसका आ गया <laughs> तो फिर बाद में मेरे को लेकिन बाद में ना मजा नहीं लगा मेरे को बहुत उसके साथ डांस करने में शेड मेरे को लगा ये भी पकड़ेंगे ये भी पकड़ेंगे ये भी पकड़ेंगे तो बाद में मैं बहुत इन्जॉय करने लगा टाइगर से तो मैं सीखा जो उनके साथ था तभी फिर संचित आया संचित के साथ भी बहुत कुछ जैसे आपको बताए फिर सौम्या आया सौम्या बेली बहुत माइंड ब्लोइंग करती थी अः तो उससे मेरे को बेली सीखने को मिला तो मेरे को लगता है इस, आ, सबका स्टाइल ना ऐसा ऐसा मिक्स होके हम बहुत सारी चीजें ऐसा सीख चुके हैं बस यही कि और वर्क करना है अपने ऊपर एंड फिर मॉम्स में वर्षा जी आई मेरे पास एंड यस यही है कि वो एक मदर होके इतना अच्छा कर रही थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि मदर होने के बाद भी वो इतना अच्छा कर रही है तो शायद कभी भी मतलब अगर बूढ़े भी हो जाए या एज भी हो जाए या मदर भी बन जाए तो भी कंटिन्यू रखना चाहिए अपना पैशन तो उनसे वो सीखने को मिला तो मेरे को लगता है जितने भी मेरे कंटेस्टेंट थे मेरे साथ में उन सब से मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है so, सो वर्तिका अभी एक सुपरस्टार बन चुकी है रियलिटी शो में एज अ कोरियोग्राफर आई जीती भी इतना सारा फेम इतना सारा रिस्पेक्ट मिला बट अगर ये नहीं होता तो वॉट यूडींग मेरे को लगता है शायद हम अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे रहते, और भी ज्यादा क्योंकि मतलब कुछ अचीव करना है तो हम शायद लगे रहते अभी तक भी लगे रहते एकदम अच्छे से और आज भी हम कोशिश करते कि प्रैक्टिस हमेशा मेरी कंटिन्यू ही रहे जैसे हमेशा अच्छे से अच्छे से ही करना चाहिए प्रैक्टिस चाहे ये है या ना हो तो मेरी कोशिश हमेशा रहती कि अपना बेस्ट करें हम हमेशा रिहर्सल वगैरह करते रहें और और नहीं भी होता तो हम उतना ही रिहर्सल करते एंड uh, और जितना कोशिश हो सकता और अलग अलग टीचरों से जाके सीखते नए नए लोगों से सीखते अंडरग्राउंड बैटल्स करते रियलिटी शो के लिए कॉम्पिटिशन में जाके ऑडिशन देते एंड वीडियोस बनाते यूट्यूब के लिए इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाते सो वैसे ही चलती मेरी लाइफ शायद जैसे अभी चल रही है पर कई बार जैसे अगर कभी जैसे शो का चल रहा है तो फिर शो का रिहर्सल चलता है तभी एकदम पर्सनल रिहर्सल नहीं चल पाता है एंड कभी कभी कुछ वर्क आया कुछ वर्कशॉप आया या कुछ म्यूजिक वीडियो का शूट आया तभी वो नहीं हो पाता है पर जब भी हम उससे फ्री होते हैं तभी ट्राई करते हैं कि हमेशा रिहर्सल अच्छे से करें तो ये ये जो आपने बताया कि जो वर्क आता है है और ये पर्सनल रिहर्सल इसका जरा डिफरेंस बता दीजिए क्योंकि मैंने बहुत डांसर्स से मतलब सुना है कि ठीक है यार काम का तो रिहर्सल ठीक है बट पर ये पर्सनल रिहर्सल कम मैं मतलब थोड़ा सा बता दीजिए लोगों की ये होती क्या है ओके okay, मेरे लिए पर्सनल रिहर्सल मतलब कि जैसे हम ऐसा सोलो भी डांस करना बहुत ऐसा पसंद करते हैं तो कैसे शो में अगर एज अ कोरोग्राफर बुलाया गया है तो शायद हम डुएट करते हैं वहां पे तो अगर डुएट करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिला के एक पॉइंट पे एक साथ आके हम दोनों को मैच करके करना होता है पर कैसे सोलो में अपन फ्री कुछ भी कर सकते हैं मतलब अपने हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तो वो एक रिहर्सल वहां पे जाके हम लोग कुछ अलग चीजें सीखते हैं नई चीजें सीखते हैं कि साथ में डुएट कैसे किया जा सकता है या कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे किया जा सकता है ये सब रियालिटी शो में सीखने को मिलता है पर जैसे एक अकेले का रिहर्सल वो जो वहां पे शायद नहीं हो पाता है

ऑफ स्क्रीन लाइव इवेंट जाना छोड़ देते हैं ठीक है कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी एंड मैंने परसों ही आपको एक बैटल में जाते हुए देखा पार्टिसिपेट नहीं किया आपने आप सिर्फ गए थे गए थे सिर्फ देखने के लिए गए थे तो क्या चलता है आपके दिमाग में कि मुझे क्यों जाना चाहिए लाइव इवेंट्स में अभी तक मेरे को लगता है इसलिए जाना चाहिए क्योंकि शायद हम अगर बहुत सारे कंपटीशन या लाइव इवेंट्स या ऐसे बैटल साइफर्स में नहीं जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि किस लेवल पे लोग डांस कर रहे हैं तो शायद उनको हम देखेंगे तभी मेरे को एनर्जी आएगा कि शिट यार मेरे को भी बहुत अभी मेहनत करना बाकी है तो यही है कि उन लोग को देख के इंस्पायर होंगे तो ही हम भी कुछ कर पाएंगे सो so, लोगों को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को ये वाइब जो होता है सबको ऐसा डांस करते देखना इतना अच्छा तो एक अलग फीलिंग देता है और ये मेरे में ऐसा जुनून आ जाता है hmm. किसी को ऐसा डांस करते देख बहुत माइंड ब्लोइंग तो मेरे को बहुत पसंद है कि हम ऐसा जाएं इवेंट्स में और लोगों को देखें शांति से बैठ के कि अच्छा ये ऐसा होता है साइफर ऐसा होता है क्योंकि मेरे को परसों आप जो आप बता रहे कि मेरे को देखें तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरे ऐसा फ्री स्टाइल साइफर ऐसा सब देखने को और करने का भी है मेरे को तो अभी पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें उसका देख के कि कैसे करते हैं उसके बाद करने भी जाएंगे जरूर बहुत बसी बहुत लोग ऐसे लाइव इवेंट से बैटल से स्टार्ट करते हैं एक बार टीवी पे चले गए उसके बाद बोलते कि नहीं यार अभी ये जोन बस हो गया पार्टिसिपेट करूंगी अभी स्टिल गो एंड लर्न एंड सी दैट सो पता नहीं शायद मेरे को आ, है कि आगे भी मेरे को डांस एकदम अच्छे से करना है और वर्ल्ड लेवल पे जाना है वो मेरे दिमाग में है। शायद इसलिए हम ऐसा सोचते हैं देखिए वर्तिका बहुत लोग है ना रियलिटी शो में आते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके सबका सपने में एक चीज कॉमन है कि वो अपना डांस स्टूडियो खोल ले या तो घर बना ले पॉसिबल है क्या यस yes, बिल्कुल पॉसिबल है किया जा सकता है कुछ भी मेहनत करने के बाद कुछ भी जो चाहते हैं हम अचीव किया जा सकता है तो आप घर भी ले सकते हैं आपको जो लेना है वो ले सकते हैं सेविंग करके अच्छे से जिसको सेविंग करने आता है वो ले सकता है इस इस फील्ड में इस फील्ड में या रियलिटी शो में या डांस फील्ड में गारंटी क्या है चीजों की बिकॉज बहुत लोग पेरेंट्स पूछते हैं कि गारंटी क्या है <laughs> तो कुछ कर रहे हैं बिकॉज उनको रिजल्ट चाहिए ना इन पेरेंट्स को चाहिए कि रिजल्ट कुछ भी करेगा गारंटी क्या है गारंटी क्या है फ्यूचर क्या है घर बनाएगा कि नहीं मेन वही है ना मुद्दा तो वही आता है तेरे घर में तीन वक्त का खाना आएगा और एक तेरा घर बनेगा <laughs> फैमिली सेटल होगी आगे पैसे रहेंगे क्या गारंटी है कि इससे ये काम करके ही तू ये चला लेगा करके हाँ इससे तू तो फ्यूचर बना सकता है करेक्ट करेक्ट मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरा अपना ओपिनियन कि अगर जैसे अगर जो टीवी में नहीं भी आ रहा है जो टीवी में आ रहे हैं तो चलिए उनको मिल रहा है पर यह भी हमेशा फिक्स्ड नहीं है हमेशा जो चीज है मेन तो वही है कि अगर है और नहीं है पर हम अपना वर्क करना इम्पोर्टेंट है अगर वो करते रहेंगे एक पॉइंट होता है कई बार लोग छोड़ देते हैं ऐसा हार के कि शायद नहीं हो रहा है या लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं या इससे ऐसा होगा कि नहीं बाद में तो वो सब सोचना बंद करना पड़ेगा मेरे को लगता है अगर कुछ अलग करना है और अगर आप सोचते हैं कि उसी के थ्रू अगर आपका इनकम भी हो तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरिया होता ही है कि हम वो कर सकते हैं जैसे कोई क्लास में टीचिंग कर सकते हैं या किसी को ऑनलाइन सिखा सकते हैं बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मेरे को ऐसा लगता है तो वही है कि इंसान वे खोज रहा है कि नहीं जो वे खोज लिया अपना उसको जरूर मिल जाता है कोई ना कोई रास्ता जो हार के बैठ जाता है उसको शायद नहीं हासिल होता है वो चीज ये ये चीज है ना वर्तिका की आप जैसा भी आप स्टार्ट कर रहे हो ठीक है कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको यही कोई भी घर में रैंडम बच्चा एक आर्टिस्ट बनना चाहता है चलो तो अभी तो चीजें अलग हो गई है बट कहीं जगहों पे ना अभी भी ऐसा है मैं गया था एक गांव में तो उधर ऐसी है कि पूछता है क्या गारंटी स्टार्टिंग में अभी उसको भी नहीं पता है ना बच्ची को तो नहीं ब, पता हाँ उसने वे अभी आपने बोला वे ढूंढना पड़ता है उसने वे का स्टार्टिंग ही नहीं देखा है उसने सोचा है वो आप लोगों को देख के वो इंस्पायर हुआ है एंड इज लाइक की हाँ ठीक है अगर अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ वो देख दे टेक द मोटिवेशन बट दे डोंट नो बट पेरेंट को एक आंसर तो देना पड़ता है ना कि गारंटी वो पूछेंगे की गारंटी क्या है तो इसमें कर लेगा तो क्या बोलना चाहिए या फिर कैसे कन्वे करना चाहिए अपने पेरेंट्स को Uh, तभी तो मेरे को लगता है पेरेंट्स को शायद सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे को वो समझ आएगी ही नहीं कभी कि ऐसा भी कुछ होता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है मेरे को हाँ शिट हो सकता है मेरे से कम ऑन लेट्स गो मम्मी पापा सपोर्ट करें तो मेरे से हो जाए मम्मी पापा ही नहीं सपोर्ट कर रहे तो वो अंदर से उसको आएगा ही नहीं कि शिट मैं कर सकता हूँ तो वो उधर ही ऐसा हो जाएगा तो पेरेंट्स का बिलीव लगता है मेरे को सबसे पहले होना चाहिए तभी हम सब हम बच्चे लोग अच्छा अचीव कर पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे क्योंकि मम्मी पापा ही एक ऐसे इंसान है जो बचपन से हमारे साथ रहे हैं हमारे करीब तो उनका जो मोटिवेशन होगा शायद वो हम लोग सबसे ज्यादा फील हो तो मेरे लिए शायद तो वही है कुछ लोग होते हैं ऐसा जो मानते ही नहीं है hmm. और कुछ बच्चे उनके बिना सपोर्ट के भी करके दिखाते हैं शायद उन लोग का जो डिफिकल्टी लेवल हो गया होगा वो करने का कि मतलब मम्मी पापा को बिना बताए रिहर्सल करना या रिहर्सल पे जाना उनके विदाउट परमिशन के तो सोचिए उनका क्या मतलब स्ट्रगल होता होगा बहुत अलग और वो लोग ऐसा कुछ करके दिखाते हैं फिर टीवी में आ जाते हैं या कुछ एकदम अच्छा अचीव कर लेते हैं तो फिर मम्मी पापा उनको जब देखते हैं कि शिट मेरा बच्चा यहाँ पहुँच गया है तो अपने आप कन्वि कन्विंस हो जाते हैं तो शायद सब हम लोग के ऊपर ही है बट आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट वेड यू नो कि अगर मम्मी पापा का स्टार्टिंग से सपोर्ट रहेगा तो वो बच्चा वो चीज़ बहुत शायद जल्दी कर सकता है अच्छे से भी कर सकता है और वक्त से थोड़ा पहले से भी, भी कर तो सकता है स्ट्रगल है सोचिए कि मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है पैसा नहीं है कैसे जाएंगे ट्रैवल करके रिहर्सल करने सीखने अगर शायद उनका सपोर्ट रहेगा तो हम अंदर से भी मोटिवेटेड रहेंगे और जल्दी कर पाएंगे और लेकिन हम सब के लिए भी एक चीज लागू होता है जो है कि हम लोग भी ट्रस्ट ना तोड़े पेरेंट्स का अगर वो भरोसा कर रहे हैं तो हमारा कि हम लोग को देख के और भी लोग ये सोचे कि शिट नहीं हमें भी अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए तो मम्मी पापा क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में अभी आ, मम्मी पापा मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी ला, लाइफ में जो सबकी लाइफ में शायद मम्मी पापा सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पर मेरे लिए मेरे मम्मी पापा बहुत एक दोस्त जैसे हैं क्योंकि शायद जिस जगह से हम आए वहाँ पे लोग कभी शायद मेरे को लगता नहीं है कि डांस के लिए इतना सपोर्ट करेंगे अब जाके मेरे मम्मी पापा की वजह से शायद जैसे उन लोग मेरे को सपोर्ट किए यहाँ तक आने के लिए ओ... उनकी वजह से मेरे एरिया में बहुत सारे लोग अब बच्चे मुंबई में आने लगे उनके पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे बहुत सारे लोग मम्मी पापा से पूछने लगे कि आप लोग ये कैसे किए मतलब ये बहुत मेरे लिए प्राउड फीलिंग है कि मम्मी पापा से लोग आके ऐसा पूछ रहे हैं तो शायद मेरे को लगता है उन दोनों का ही मेरे ऊपर ये भरोसा करना जो था वही सफल हुआ एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो दोनों मेरे पे इतना भरोसा किए वैसे माहौल में रहते हुए भी सो so, वो दोनों बहुत अलग है मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अलग शायद इस वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं इस आपने बताया पहले बहुत सुनने को मिलता होगा ना कैसे की वर्तिका कैसे वर्तिका ऐसे वर्तिका कॉस्ट्यूम वर्तिका क्या डांस करती है वर्तिका क्यों कर रही है ये सब दूसरा कुछ कराओ लड़की है मत कराओ ऐसी सारी चीजें भी सुनने मिली होगी तब मम्मी पापा कैसे डील करते होंगे एक सच बात सभी सच बताया वैसे पर एकदम सच बात कि कुछ भी ऐसा नहीं करके बात नहीं। हाँ तो आप जैसा बोले कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मतलब नहीं करना चाहिए या पता नहीं इस फील्ड में इतना ऐसा है कि नहीं तो मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स तक बोलते थे बाहर के लोग तो बोलते ही थे पर फैमिली मेंबर्स भी बोलते थे ये बात मेरे को एक चीज जो जो बात है वो मेरे को बहुत बाद में पता चला कि जो भी मम्मी पापा को लोग बोलते थे वो मम्मी पापा मेरे तक पहुंचने नहीं देते थे वो बात मतलब मेरे को कभी ये बताते नहीं थे कि लोग मम्मी पापा को ऐसा बोल रहे और मेरे को जल्दी कोई बोलने नहीं आता था क्योंकि मम्मी पापा एग्री करते थे कि मेरे को करने देना है डांस तो मेरे तक वो बात सब आता ही नहीं था स्ट्रेसफुल तो मम्मी पापा मेरे को फ्री रखते थे सब कि लोग बोल रहे हैं या ऐसा कुछ तो मेरे शायद दिमाग में ये थॉट कभी आया ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा होगा ही करोगे तो अच्छे से तो हमेशा मम्मी पापा मेरे को पॉजिटिव ही मतलब एटीट्यूड दिए इस, इस चीज की और डांस की ओर एंड एक चीज और कि हम हमेशा रात को रिहर्सल करते थे एक से तीन बजे तक जब तक मेरे को मन होता था और हमेशा मेरे पापा मम्मी मेरे साथ बैठते थे रात में डांस देखते थे कि चलो वर्तिका मेरे घर का नाम रूपा है तो हमेशा वैसे बुलाते थे कि रूपा चलो डांस हो जाए तो हमेशा पापा हाँ पापा कि चलो बूट पहन के आओ अपना वो वाला शॉर्ट्स पहन के आओ ऐसा कपड़ा पहनो आओ डांस करो तो पता नहीं कैसे उस माहौल में रह के इतने डिफरेंट मेरे मम्मी पापा पता नहीं कैसे तो हम बहुत लकी हैं इस चीज के लिए कि ऐसे मम्मी पापा मिले मेरे ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा सुनने मिला है या फिर ऐसा इंसिडेंट की शायद मैं वो टाइम पे अगर जैसे आपने बोला मम्मी पापा आपके बैरियर थे कुछ वैसा सुनने नहीं मिला मुझे बट कुछ ऐसा सुनने मिला हो कि यार अगर मैं ये चीज स्टार्ट करने से पहले सुनती तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थैंक यू मम्मी पापा की उन्होंने मुझे ये चीज़ मतलब ये चीज मुझ तक नहीं पहुंचने दी तो वो कौन सी चीज थी ऐसे कुछ है कि आपको कि आपको लिटरली ऐसा यार कैसे लोग हैं हैं मतलब क्या बात करते ऐसे ऐसे क्यों है जी ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि मतलब क्या होगा इस फील्ड में आगे जाके फ्यूचर है कि नहीं है तो ये सब बातें मेरे को शायद इतना प्रभाव वो किया नहीं पर एक चीज बताना चाहेंगे आप लोगों को कि एक इंसिडेंट मेरे साथ जो मेरे को बहुत हमेशा मेरे दिमाग में रहता है मतलब मेरे दिमाग में है अभी तक कि मेरे एक फैमिली मेंबर जिनके हम बहुत ऐसा क्लोज है तो वो मेरे को एक सवाल एक क्वेश्चन पूछे कि मतलब नहीं मेरे को सजेस्ट किए कि एक चीज होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में डांस के ही फील्ड से नहीं क्या बोल रहा हूँ हाँ डांस के अलावा आ, मतलब वो मेरे को बोले कि हमेशा ना एक ऑप्शन होना चाहिए तो डांस अगर आप कर रहे हो तो कितना इसमें आगे जाओगे उन्होंने ही मेरे को ऐसा बोला कि आ, कितना आगे जाओगे पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं श्योरिटी नहीं है तो हमेशा लाइफ में एक ऑप्शन रखो बेटा ठीक है तो अभी मैं फुल एकदम ऐसा बस सुन रहा हूँ क्योंकि बोल ऐसे एकदम नहीं सकता तो मैं सुन रहा हूँ चुपचाप कि ठीक है ठीक है आ, तो वो मेरे को बोले कि ऑप्शन रखो क्योंकि क्या पता उस पहले वाले में नहीं हुआ मतलब डांस में नहीं हुआ तो ये कर सकती हो पर हम उनको ये बोले कि अगर हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि अरे इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में तो होगा तो मेरा हम पहला कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में तो मेरे पास सिर्फ एक एम और एक ऑप्शन रहेगा तो हम जरूर अचीव करेंगे क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे दिमाग में वही है कि मेरे को सिर्फ डांस ही करना है तो ऑप्शन क्यों रखना है तो मेरा ये थॉट था उनका ये कहना था पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा हमारा एक ही विजन होना चाहिए और ऐसा सेकेंडरी कुछ लेके नहीं चलना चाहिए जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो एक ही एम होना चाहिए तो शायद हम लोग जरूर अचीव करेंगे उसको माइंड ब्लोइंग दैट यू नो यू आर अचीविंग अ लॉट यू आर अचीविंग मोर देन अ लॉट ठीक है बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप एंड आई थिंक ये ये आपकी सोचनी जितने भी लोग इंडस्ट्री में है जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मैंने सबके इंटरव्यूज में भी यही सुना है कि अगर आप ऑप्शन रखते हो ना तो यू आर डेड आप डेड हो फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन डेड है ठीक है उसके बाद कोई कुछ नहीं हो सकता अगर आप ऑप्शन टू रख रहे हो तो यू यू विल नॉट गो फॉरवर्ड एंड अभी रिजल्ट भी देखने को मिल ही रहा है कि अगर आपने ऑप्शन रखा है डांस में तो ऑब्वियसली आप इसमें ही आगे बढ़ोगे है ना वर्तिका आपकी जो एक शायरी थी वो बहुत ही ज़्यादा रील्स पे फेमस हुई थी जो आपने एक रियलिटी शो में बोला था तो एक और एक आज एक मतलब एक एक, एक और थोड़ा सा ठीक है पर मेरी जो भी शायरी रहती है वो कहीं ना कहीं से सुना हुआ रहता है पर हम और पापा मम्मी हमेशा आपस में बात करते रहते हैं वो शायरी शायरी पे मतलब शायरी पे मतलब उस अमल भी करते हो आप हाँ कोशिश रहती है पूरी की अमल करें तो हम लोग बस फॉलो करते हैं उसको कि कहीं कुछ अच्छा सुने या देखे तो आ, ये जो अभी शायरी मैं बोलने जा रहा हूँ मेरे को क्योंकि बहुत सारा याद नहीं है तो ये भी हम अपने एक वर्कशॉप में बोल चुके हैं तो फिर भी बोलते हैं लेकिन अच्छा लगता है मेरे को ये अः परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं आपने जितना भी अभी अचीव कर लिया है ठीक है एक स्टेट ऑफ माइंड रहता होगा तो एक मेंटल एडवाइस दे दीजिए लोगों के लिए कि हाँ ये मेरे लिए वर्क कर गया मतलब ये आपका स्टेट ऑफ माइंड था तो वो बता दीजिए आप मेरे को लगता है शायद हमें कभी लाइफ में कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक इंडिविजुअलिटी होता है सब लोग अपने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बहुत अलग होते हैं सबकी क्वालिटीज अलग होती हैं सो so, कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से मेरे को लगता है अगर करना चाहिए तो खुद से ही हर बार करना चाहिए कि हम और बेटर नेक्स्ट टाइम और बेटर सो यस ये है कि अपनी जंग खुद से है